Good morning, students. Now today I am going to start activity 7, chapter 15, that is time. Today I explain you how to convert weeks into days and months into days. First, you see how we convert weeks into days. Students, you know that in 1 week is equals to 7 days. All students should learn this relation and remember this, that in 1 week, how many days are there? That is 7 days. So all of you remember this and see that this question number 1, convert into days. A part 6 weeks. Here weeks is given. हमें week को किसमें convert करना है? Days में. Then we, so we multiply by 7. Because we know the relation that in 1 week, how many days? That is 7 days. So first we write it here, in 1 week is equals to 7 days. We know this relation, so we write it first. Now we convert 6 weeks into days. That is 6 weeks we write it here. Then we multiply 6 by 7. 6 ko hum kisse multiply karenge? 7 se. क्योंकि हमें डेज में कन्वर्ट करना है एंड वी नो दैट इन 1 week हाउ मेनी डेज 7 days. तो हमें वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 7 से. नाउ वी कैलकुलेट इट. 6 7s are 42 एंड आवर आंसर कम्स 42 days. नाउ द बी पार्ट 9 weeks 3 days. Again, this is converting to days. यहाँ पे हमें week और days दोनों में दिया हुआ है. इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था सिर्फ हमें weeks में दिया था, तो उसको हमने days में convert कर दिया by multiply 7. किससे multiply करके? 7 से multiply. यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें weeks और days दोनों में दिया है, तब हम कैसे solve करेंगे? Again, first you know that relation, in 1 week, how many days? That is 7 days. क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपको weeks को days में convert करना है, और week क्या है? Bigger unit है, और days smaller unit है, तो हम क्या करेंगे? Multiply. तो first we write, 1 week is equals to 7 days. All students should remember or learn this relation. Now here 9 weeks, 3 days converted into days. अब हमें यहाँ पता है 9 week है, week को हमें days में convert करना है. Days तो already days में है, इसलिए इसको हम convert नहीं करेंगे. तो we write it 9 multiplied by 7 days. प्लस, अब हम इसको इसमें प्लस कर देंगे. तो वी राइट हियर द प्लस साइन एंड राइट 3 days. क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा डेज है, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. नाउ वी कैलकुलेट दिस टू 9 7s are 63. वी राइट हियर 63 days plus 3 days. नाउ वी हैव, अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे. 3 plus 3 that is 6 एंड हियर इज 6. आवर आंसर कम 66 days. तो इस तरीके से 9 weeks 3 days को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? डेज में. तो हमारा आंसर क्या आया? 66 days. नाउ स्टूडेंट्स, यू सी, अभी आपने देखा था कि हमने किस तरीके से वीक्स को डे
कन्वर्ट किया। अब हम देखेंगे कि मंथ्स को हम किस तरीके से डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको ये चीज रन होना चाहिए कि इन वन मंथ हाउ मैनी डेज, दैट इज 30 डेज, 31 डेज और 28 डेज। आपको पता है बच्चों वन मंथ में हमारे 30 भी डेज होते हैं, 31 भी होते हैं और 28 डेज भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मंथ। ये डिपेंड करता है मंथ पे कि वो कौन सा मंथ है। जैसे जनवरी है तो हमारा 31 का है, अगर हमारा नवंबर है तो 30 का है, फरवरी है तो वो हमारा 28 का है। तो मंथ्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मंथ है, उसके मंथ है तो उसके अकॉर्डिंग उसके डेज होते हैं। सो ऑल ऑफ यू नो बट इन आवर कैलकुलेशन वी टेक वन मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज। हम कैलकुलेशन में वन मंथ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज वी टेक इट, दैट इज 30 डेज। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारी कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तो उसमें वन मंथ को हम 30 डेज से ही कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम वन मंथ को 31 या 28 डेज से कैलकुलेट नहीं करते। तो ऑल ऑफ यू यू रिमेम्बर दिस थिंग, इन जनरल वी टेक वन मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज। जब हम क्वेश्चन में या कहीं भी कैलकुलेशन की बात करते हैं तब हम क्या लेते हैं, वन मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज, तब हम यहाँ 30 डेज लेते हैं। क्लियर दिस? नाउ वी कैलकुलेट 7 मंथ्स। अब हम 7 मंथ्स को इजीली डेज में कन्वर्ट कर देंगे, वी मल्टीप्लाई बाय 30। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, एंड आवर आंसर कम्स इन डेज, दैट इज 700, 7 3 21, 210 डेज। तो इस तरीके से मंथ्स को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। अगेन आई रिपीट दैट यू टेक दिस रिलेशन दैट इन वन मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज, तब हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन के या सम्स करते वक्त हम वन मंथ में 30 डेज ही लेते हैं, यहाँ पे हम 31 या 28 डेज नहीं लेते हैं। हमेशा यू शुड रिमेम्बर दिस दैट इन वन मंथ वी टेक 30 डेज एंड इन 7 मंथ्स वी कैलकुलेट इट बाय मल्टीप्लाई बाय 30। 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो किसमें आया, डेज। नाउ द नेक्स्ट दैट इज ई पार्ट, 8 मंथ्स 20 डेज इज कन्वर्टेड इनटू डेज। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेज में, अगेन यहाँ पे मंथ्स को पहले हम डेज में कन्वर्ट कर देंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको डेज वाले में प्लस कर देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा डेज में ही है। नाउ हाउ वी कैलकुलेट इट, ऑल ऑफ यू सी हियर, फर्स्ट वी राइट द रिलेशन दैट इज इन वन मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज। इन नेक्स्ट स्टेप वी राइट इट 8 मंथ्स 20 डेज इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई। अब हम 8 मंथ्स है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले डेज में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, जो आंसर आएगा वो किसमें आ गया हमारा, डेज। यहाँ डेज लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो वी राइट इट हियर डेज। नाउ वी ऐड, ये ऑलरेडी हमारा डेज में है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, प्लस साइन लगा दिया और हमने ये एज इट इज यहाँ लिख दिया, दैट इज 20 डेज। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले नाउ वी मल्टीप्लाई इट, दैट इज 8 0 0 8 3 24, डबल आंसर हियर दैट इज 200
40 days plus 20 days. अब इसमें हमने 20 days को प्लस कर दिया, 0 plus 0 that is 0, 4 plus 2 that is 6 and here is 2. Our answer comes 260 days. तो इस तरीके से हमने 8 months 20 days को डेज में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया 260 days. तो बच्चों इस तरीके से आप स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई सी भी नंबर दिया होगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे कोई सा भी मंथ और डेज भी बनो, जैसे यहाँ 6 months है, 12 days है, तो सेम मेथड है, बस यहाँ पे डिजिट डिफरेंट हो जाएगी. 8 की जगह अगर आपको 6 दे रखा है मंथ्स तो 6 आ जाएगा, 30 से ही मल्टीप्लाई करना है, 20 है उसकी जगह 12 आ जाएगा, जो भी डेज की बनेगी और उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करें. नाउ सेकंड क्वेश्चन, द स्कूल हॉलीडेज आर फॉर 8 weeks 2 days, हाउ लॉन्ग आर द हॉलीडेज. यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है, आपको वैसे ही करना है जैसे हमने आगे क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था. यहाँ पे 8 weeks 2 days को किसमें कन्वर्ट करना है, डेज में. तो सेम मेथड है, हम उसी मेथड को यहाँ पे भी फॉलो करें. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू राइट द रिलेशन. What is the relation between days, weeks and days? You know very well. So first you write it. That is 1 week is equals to 7 days. ये बच्चों आप सभी को पता है कि 1 week में how many days are there? That is 7 days. Now you convert 8 weeks 2 days into डेज. इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आप डेज. पहले जैसे हमने किया था सेम उसी तरीके से करेंगे. यहाँ पे वीक है, इसको हम डेज में कन्वर्ट करेंगे और इस डेज से प्लस करेंगे. तो 8 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 डेज में कन्वर्ट करेंगे. देन वी ऐड एंड राइट इट हियर 2 days, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा किस में है, डेज में ही है, तो इसलिए इसको हमें किसी में कन्वर्ट नहीं करना है. नाउ देन वी मल्टीप्लाई दिस टू 8 7 56. वी राइट इट हियर 56 days plus 2 days. नाउ वी ऐड एंड कैलकुलेट अवर आंसर. दैट इज 6 plus 2 दैट इज 8 एंड 5 हियर. तो अवर आंसर कम्स 58 days. 8 weeks 2 days को हमने कन्वर्ट किया डेज में तो हमारा आंसर क्या आया, 58 days. नाउ स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, सी एंड एफ पार्ट. देन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3.